श्योपुर में आज कांग्रेस द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कांग्रेस के द्वारा कई प्रकार की मांगे रखी गई। इसमें बिजली विभाग के द्वारा गांव में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश दिखाई दिया और दूसरी मांग पिछले वर्ष 3-4 अगस्त में जो बाढ़ आई थी उसमें मानपुर में सीप नदी के ऊपर बना पुल टूट गया था। सीप नदी पर रफ्ता और पुल का निर्माण कराया जाए और उसी क्रम में बड़ौदा रोड पर मुंडला व बड़ौदी मंडी के पास क्षतिग्रस्त हुई रोड को सही कराया जाए और खातौली रोड पर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई रोड को सही कराया जाए। इसको लेकर आज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अतुल चौहान के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बताया कि बाढ़ के बाद मानपुर सीप नदी पर सरकार ने 50 लाख की लागत से रफ्ता बनाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक सरकार की ओर से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 10 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण होना था जिसका विभाग द्वारा ना तो अभी तक कोई टेंडर प्रक्रिया हुई है और ना ही कोई कार्रवाई हुई। कांग्रेस अध्यक्ष का ये भी कहना है कि बड़ौदा रोड पर टोल तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन बाढ़ में हुई क्षतिग्रस्त रोड को आज तक सही नहीं कराया गया और कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार कहती है कि हर गांव में पानी और लाइट की व्यवस्था करेंगे लेकिन ना गाँव में पानी है और ना ही लाइट है। पानी की वजह से गाँव के जानवर और गाँव वाले पानी के लिए तरस रहे हैं और जो अघोषित बिजली काटी जा रही है उसको लेकर भी गांव में बहुत समस्या पैदा हो रही है। अध्यक्ष का ये भी कहना है कि अब फिर से बारिश आने वाली है उसको लेकर भी प्रशासन की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम आगे भी कार्यवाही करेंगे और आंदोलन करेंगे। श्योपुर से गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। शासन जो लूट की चल रही है, भ्रष्टाचार की चल रही है, लगातार पिछले 17 साल से ये कहते रहे और अभी पिछले 5-6 साल से कि हमने सरप्लस बिजली उपलब्ध कर ली है और हम दूसरे राज्यों को बिजली बेच रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन को उसका फायदा मिल रहा है लेकिन सामने आपके सामने मीडिया के सामने आम जनता के सामने पूरी कलई शिवराज सरकार की खुल चुकी है कि पिछले 2-2.5 महीने से श्योपुर क्षेत्र में लगातार ऐसी बिजली कटौती चल रही है कि 15-17, 17-18 घंटे बिजली गांव के अंदर नहीं है, 20-20 घंटे नहीं है। श्योपुर शहर जैसी जगह में भी लंबित कटौती कर देते हैं और रात में जब जनता इन्वर्टर में सो रही होती है पंखे में तो 4-4 घंटे काट देते हैं। तो कहाँ है वो शिवराज सिंह सरकार की बिजली? तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि और 1500 करोड़ रुपए का कोयला वो विदेश से मंगा रहे हैं घोटाला करके। भारत में कोयला खत्म हो गया जबकि शासन उनका ही है दिल्ली में भी। तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं कि उनको कहां से पैसा पैदा करना है, वो अपना पैसा पैदा करते हैं लेकिन जनता से पैसा किसानों से कैसे लूटा जाता है ये आपने देखा है। करोड़ों अरबों रुपए के श्योपुर क्षेत्र में बिजली के बिल किसानों को दिए गए, घर वालों को दिए गए, मजदूरों को दिए गए लेकिन उनको बिजली के बिल का कोई सुधार नहीं किया गया, आज भी जनता भटक रही है। तो दूसरी तरफ अपना भ्रष्टाचार वो लगातार कर रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था पूरी चौपट पड़ी हुई है पूरी गांवों के अंदर। पशु पूरी तरह से परेशान है, आदमी परेशान है, इंसान परेशान है लेकिन बिजली की व्यवस्था पूरी ध्वस्त पड़ी हुई है। लगातार किसानों को बिजली की मांग, मूंग की किसान पैदावार कर रहे हैं गांवों के अंदर, अब धान की भी तैयारी शुरू करेंगे लेकिन बिजली नदारद है, पूरी तरह से करंट नहीं है उनके तारों में, शिवराज के तारों में। और दूसरी ओर हमने एक बड़ी मांग रखी है कि बाढ़ आए हुए 10 महीने हो गए यहाँ पर, आपका 40-50 गांव को जोड़ने वाला मानपुर से ढोडर का बैंड जो सीप नदी का पुल पूरी तरह से उनका भ्रष्टाचार में बह गया था, 50 लाख का शिवराज सरकार ने रफ्टा मंजूर किया, 10 महीने से रफ्टा नदारद है, मात्र 50,000 का रफ्टा किसान भाइयों ने वहां पर बनाया, ग्रामीण जनों ने बनाया, उससे वो निकल रहे हैं लेकिन बरसात अगले महीने आने को है लेकिन वो रफ्टा नहीं बना 50 लाख का। और 10 करोड़ का पुल जो बनना है उसका कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है, साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं उनका कमीशन खोरी जब तक सेट नहीं हो जाएगा तब तक पुल का निर्माण शुरू नहीं होगा और जनता को उधर की राहत नहीं मिलेगी। और दूसरी ओर बड़ौदा क्षेत्र में आपने देखा होगा टोल रोड होने के बाद भी मुंडला नहर के आगे, बड़ौदा शहर के आगे और भी कई जगह पर पंडोला के आगे पूरी तरह रोड क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है 10 महीने से, नहीं तो उस पर डंबर कराया गया, लोग गिर रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं किसान भाई। 32 क्षेत्र के 28 इधर सिपाड़ और इधर क्षेत्र के लोगों में खातौली से जो पुल जाता है आपका कोटा रोड पे उसमें 5 पुलिया टूटी हुई है, पानीडी पर टूटी, गांधीनगर पर टूटी, प्रेमसर पर टूटी, आगे टूटी है जो जलालपुरा पर, लेकिन कोई पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं किया, वहां भी दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं लोग, किसान लोग और आमजन, तो कहीं ना कहीं यात्री परेशान है। तो ये सब निर्माण नहीं होने से दिखाई देता है कि शिवराज शासन केवल भ्रष्टाचार में लगी है, शिवराज का प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार में लगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की केवल खिदमत में लगा हुआ है, उनके लिए जमीनें बनाने में लगा हुआ है, उनकी आगे की जो सब तैयारी उनके लिए लगा हुआ है लेकिन जनता को कोई राहत नहीं है। इन्हीं सबको लेकर के आज जिला कांग्रेस ने सभी